ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। जॉनसन का इस्तीफा उस वक्त आया है जब उन्हें संसद के नेतृत्व वाली विशेष अधिकार समिति से महत्वपूर्ण मामले पर एक गोपनीय पत्र मिला। क्या है मामला, देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने इस फैसले से पूरे देश को चौंका दिया है। दरअसल हाल ही में एक संसदीय समिति ने कहा था कि लॉकडाउन के दौरान डाउनिंग स्ट्रीट में पार्टियों का आयोजन किया जा रहा था, जो कि साफ तौर पर लॉकडाउन का उल्लंघन था, लेकिन जॉनसन ने इस मामले में संसद को गुमराह किया था। वो हाउस ऑफ कॉमन संसद को कहते रहे कि लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है, इस मामले में उन्हें दंडित किया जाएगा। 58 साल के बोरिस जॉनसन के खिलाफ एक संसदीय समिति इस बात की जांच कर रही है कि क्या उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान डाउनिंग स्ट्रीट में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाली पार्टियों के बारे में हाउस ऑफ कॉमन्स को गुमराह किया था। जॉनसन का इस्तीफा उस वक्त आया है जब उन्हें सांसद के नेतृत्व वाली विशेष अधिकार समिति से महत्वपूर्ण मामले पर एक गोपनीय पत्र मिला। जॉनसन ने कॉमन्स पर आरोप लगाया कि मुझे बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। एक बयान में बोरिस ने कहा कि उन्होंने सबूत का एक टुकड़ा पेश नहीं किया है जिसमें यह साबित हो सके कि मैंने जानबूझकर या लापरवाही से कॉमन्स को गुमराह किया था। ब्यूरो रिपोर्ट,